सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी भला देखें, कोई भी दुखी न हो। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पुरातन भारतीय समृद्ध परंपराओं की दो महत्वपूर्ण विधाएं योग एवं ध्यान, एक स्वस्थ जीवन हेतु इनकी आवश्यकताओं पर परिचर्चा हेतु मैं दिलीप नागपाल सह आचार्य गणित आयुक्तालय द्वारा निर्धारित आनंदम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। योगा, यह शब्द आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शरीर, मन और आत्मा तीनों को नियंत्रित करने में अत्यंत उपयोगी साधना है। यह शरीर और मन को शांत करने के साथ साथ तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम आज कोविड महामारी के दौर में अपने चारों ओर के लोगों को प्रतिकूल स्वास्थ्य से जूझते हुए उन्हें अत्यधिक स्ट्रेस में घिरा हुआ पा रहे हैं, ऐसे में योगा एवं मेडिटेशन इन्हें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में एक अत्यंत सशक्त व उपयोगी साधन साबित हो सकता है और हो रहा है। योगा आसन करने से पूर्व शरीर को वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग अर्थात तेज कदमों से चलना, स्पॉट रनिंग अर्थात अपनी जगह खड़े खड़े दौड़ना, एरोबिक्स की कुछ आसान क्रियाएं अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके उपरांत ही योग आसनों को प्रारंभ करना चाहिए। योग आसनों का ज्ञान भले ही हम दूरदर्शन, YouTube इत्यादि से प्राप्त करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु कठिन व हाई लेवल के आसनों को करने से पूर्व किसी प्रत्यक्ष योगा टीचर या गुरु का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी यह पाया गया है कि योगा के किसी पोज में थोड़ी सी भी मिस्टेक बहुत लंबे समय तक शरीर के किसी अंग विशेष में तकलीफ और दर्द उत्पन्न कर देती है। योगा के अनगिनत लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं। नंबर एक, योगा मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार और अलाइनमेंट को ठीक करता है। नंबर टू, योग बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है। नंबर थ्री, योग आंतरिक अंगों को मजबूत करता है। नंबर चार, योग अस्थमा, मधुमेह, दिल संबंधी जटिल समस्याओं आदि के इलाज करने में सहायक है। नंबर पांच, योग एकाग्रता में सुधार, मन के विचार के नियंत्रण में मदद करता है। नंबर छह, यह चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन को शांत करता है। व्यक्ति ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से तनाव कम करने में सफल होता है, अतः योगा का नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। अब मैं अपने आज की परिचर्चा के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आता हूं और वह है मेडिटेशन यानी ध्यान। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे हाउ टू डू मेडिटेशन, अर्थात मेडिटेशन कैसे किया जाए। प्रातःकाल खाली पेट किसी भी आरामदायक जगह जैसे कि मैट, तख्त, चटाई इत्यादि पर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आलती पालती मारकर बैठते हैं। इसे कहते हैं सुखासन में बैठना। कंधे और गर्दन विरामावस्था में होने चाहिए, अर्थात इनमें तनाव नहीं होना चाहिए। इसे करने से पहले यदि थोड़ा वार्म अप कर ले तो सोने पर सुहागा। अब अपनी दोनों आंखों को बंद करके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए
लंबी और गहरी सांसें लेनी चाहिए और अपना सारा ध्यान इन आती जाती सांसों पर फोकस करना चाहिए। मन में आ रहे अन्य समस्त ख्यालों को दृष्टा भाव से देखते रहें, साथ ही अपना मुख्य ध्यान आती जाती सांसों पर ही केंद्रित रखें। थोड़ी देर में व्यक्ति अपने मन को शांत अनुभव करने लगता है। व्यक्ति के मन में उठ रहे ख्याल यानी थॉट्स कम होने लगते हैं और शरीर हल्का प्रतीत होने लगता है। व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होने लगती है। ध्यान के कुछ प्रमुख लाभ निम्नानुसार है। नंबर एक, यह अशांत मन को शांत करता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। नंबर दो, ध्यान ऊर्जावान बनाता है, इससे नई रचनात्मक शक्ति मिलती है। नंबर तीन, आत्मज्ञान की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यदि किसी पूर्ण गुरु की शागिर्दी में उपयुक्त तरीके से ध्यान किया जाए तो मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। अंत में धीरे धीरे मनुष्य उस परम चेतन सत्ता अर्थात परमेश्वर से एकाकार कर लेता है। ध्यान व्यक्ति की सहनशीलता को बढ़ाता है व चिंता को खत्म करता है। नंबर चार, छात्रों को विशेष लाभ। जो छात्र प्रतिदिन ध्यान करते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, याददाश्त तेज होती है और उनका ध्यान यहां वहां फालतू बातों में नहीं भटकता है। निष्कर्ष, उपरोक्त सभी परिचर्चा से यह समझ में आता है कि योग एवं ध्यान व्यक्ति के शरीर एवं मन को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। व्यक्ति के रक्तचाप में कमी आती है, व्यक्ति का तनाव कम होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, उसके वृद्ध होने की गति कम होती जाती है। हमने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर प्राणायाम ध्यान योग करते हैं वो अधिक लंबे समय तक युवा बने रहते हैं। यही वजह है कि आजकल ध्यान और योग बहुत प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि हर कोई लंबे समय तक युवा बना रहना चाहता है। ठीक है, बड़े बड़े नेता से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी इसे करने लगे हैं। आपने देखा होगा खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य कई बड़े नेता सेलिब्रिटीज जैसे कि फिल्म हीरोज अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, ये इनके नाम किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप प्राय टीवी पर योगा को प्रमोट करते हुए देखते रहते होंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो अपने इनके रोजमर्रा के तनाव होते हैं उनको कम करने में ध्यान और योगा को बहुत ही मददगार पाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग और ध्यान को अत्यधिक बढ़ावा दे रहे हैं। यह न केवल स्वयं नियमित रूप से योग और ध्यान करते हैं बल्कि सभी देशवासियों को इसे करने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। तो अंत में हम इन सारी परिचर्चाओं से इस निष्कर्ष पे आते हैं कि हमें योग और ध्यान का अभ्यास अपनी दैनिक दिनचर्या का एक आवश्यक पार्ट बना लेना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला कार्य हमें हमारे नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद योगा और ध्यान को देना चाहिए। जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रवृत्त होंगे, इसके अंदर इंटेंस होंगे, तो आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि आपका पूरा स्वास्थ्य, पूरा आपका व्यक्तित्व एक ऊर्जा से भर गया है। आपका पूरा पाचन तंत्र, आपका पूरा अंदर का नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे जो हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो सभी बेहतर तरीके से काम करने लगे हैं और हम अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक समाज के लिए अच्छे उपयोगी इंसान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं और
हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हमारी उन्नति निरंतर चहुमुखी होने लगी है। धन्यवाद।